हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको स्लीव्स की डिज़ाइन बताएंगे। तो मैंने देखिए कपड़े को कट कर दिया। मैंने कपड़े की लेंथ रखी है 9.5 इंच। अब हम इस पर डिज़ाइन करके दिखाते हैं। और मैंने इसकी जो है चौड़ाई रखी है 9 इंच और 2 इंच का हम ऊपर के साइड से मार्क करेंगे। तो ऊपर के साइड से हम 2 इंच पर मार्क कर देते हैं, सॉरी 1.5 इंच पे करेंगे। 1.5 इंच पे आप मार्क कर दीजिएगा ऊपर के साइड से, और नीचे के साइड भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब बीच में भी हम देखिए 1.5 इंच रखेंगे। अब हम पूरा मार्किंग कर रहे हैं। तो कैसे मैं मार्क कर रही हूँ देख लीजिए। इस तरीके से राउंड करते हुए पूरा मार्क कर दीजिएगा और इसी तरीके से हम कट कर देते हैं। तो मैंने देख लीजिए आस्तीन को कट कर दिया। अब इसी तरीके से हम आस्तीन के कपड़े को ले लेते हैं और सेम ऐसे ही मुश को भी कट कर देते हैं। तो पहले हम बीच से इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं डबल पार्ट वाला डिज़ाइन बना रही हूँ। तो हम दोनों पे स्टिच, दोनों को कपड़े के साथ में स्टिच करेंगे अस्तर को। तो चलिए मैं आपको एक अस्तर को अच्छे तरीके से स्टिच करके दिखाऊंगी। पहले इस पर हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसको एक साइड कर देंगे और ये मैंने कपड़ा लिया, इसकी हम थोड़ी सी चौड़ी पट्टी स्टिच कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पट्टी स्टिच कर दी है। अब इसको हम उलट कट कर लेते हैं। पहले तो मैंने पट्टी कट कर दी है, अब इसको हम उलट कर सीधा करेंगे। तो नीडल्स की सहायता से हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने पट्टी को सीधी कर दी है। अब इस पे हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेते हैं। हाथों के साथ थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा पट्टी को, फिर दोनों साइड से हम सिलाई लगा देंगे। एक साइड से उस साइड सिलाई लगाएं जहाँ से हम सिलाई लगाए थे, उसके दूसरे अपोजिट साइड से भी सिलाई लगा दे देते हैं। तो देख लीजिए एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है, अब दूसरे साइड से भी उसके हम सिलाई लगा देंगे। तो ये बिल्कुल देखिए प्लेन में जो डोरी आ जाएगी। ये देख लीजिए मैंने बिल्कुल प्लेन डोरी बना दिया है। अब इसको हम कट करेंगे। तो 1.5 इंच की लंबाई रखते हुए हम इसको कट कर देते हैं। 1.5 इंच पे हम जो है कज बनाना है मुझे, तो 1.5 इंच की लंबाई रखते हुए हम इसको पूरा कट कर लेंगे। तो मैंने देखिए पूरा जो है कच के लिए कट कर दिया है डोरियों को। अब इस पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं अस्तर ले लेती हूँ, जो अस्तर मैंने आस्तीन के लिए कट की थी। अब इस पर हम स्टिच करेंगे डोरी को। तो मैं कैसे इसका स्टिच कर रही हूँ देख लीजिए। पहले मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ, फिर इसके बाद इसके साथ में अस्तर के साथ में स्टिच कर रही हूँ। ऐसे आप भी कीजिएगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो डबल फोल्ड करते हो, फिर इसके ऊपर हम रखते हुए स्टिच कर रहे हैं। तो ऐसे आप कर लीजिएगा। देख लीजिए मैंने डोरियों को स्टिच कर दिया अस्तर पे। अब मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ, सॉरी कपड़ा ले लेती हूँ जो मुझे आस्तीन पे लगाना है वो कपड़ा ले लेते हैं।
अब इसको बराबर करके रख देंगे और इस पर हम सिलाई लगा के स्टिच कर देते हैं अस्तर कपड़े को। देख लीजिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आपको भी करना है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया इसको अच्छे तरीके से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल दीजिएगा और इस पर अच्छे तरीके से पूरा कट्स लगा दीजिएगा। तो मैंने कट्स लगा दिए, अब इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। तो मैंने देखिए सीधा कर दिया, इसके ऊपर एक सिलाई लगा के पूरा स्टिच करेंगे। ये देख लीजिए मैंने पूरा एक सिलाई लगा के स्टिच कर दिया है। अब पूरी इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, जितने भी साइड से ये ओपन है। ये देख लीजिए मैंने ओपन साइड से पूरा स्टिचिंग कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम पूरा कट करके निकाल देंगे। और ये देखिए एक साइड का मेरा कंप्लीट है, ऐसे दूसरे साइड का मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए मैं आपको इसके अंदर डोरिया डाल के दिखाती हूँ। तो कैसे इस पर डोरिया डालेंगे आप वीडियो में देख लीजिए। एक दूसरे से क्रॉसिंग करते हुए डोरियों को डालेंगे इसके अंदर, कच के अंदर। तो वीडियो में आप देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कैसे मैं डोरिया डाल रही हूँ। ऐसे आपको बिगर डालना है इसमें। अब एक साइड से देखिए मैंने पूरा डोरी डाल दी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी डोरी डालेंगे। तो आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे इस साइड से डोरी डाल रही हूँ। तो देख लीजिए अगर आपको आस्तीन डिज़ाइन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आपने इस चैनल पहली बार विजिट किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस डिज़ाइन को शेयर करना ना भूलिएगा। तो देख लीजिए मैंने डोरिया इतना सारी डाल दिया, आपको समझ में तो आ ही गया कि मैं कैसे डोरियों को डाल रही हूँ। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली पूरी डोरिया ये देखिए डाल दिया है, एक और बाकी है। तो इसी तरीके से आप पूरा डाल दीजिएगा, जो एक्स्ट्रा डोरी उसे कट करके निकाल देते हैं। जितनी एक्स्ट्रा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है डोरियों को। अब नीचे के साइड से फ्लावर बनाएंगे, तो मैं क्रॉस कटिंग में कपड़े कट कर देती हूँ, इससे ये स्ट्रेचबल रहेगा। हमारा नीचे का फ्लावर जो बनाएंगे वो अच्छा बिल्कुल बनेगा। तो छोटा छोटा हमें फ्लावर बनाना है, तो देख लीजिए मैं छोटा छोटा फ्लावर कैसे बना रही हूँ, ऐसे आप भी बना लीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने फ्लावर बना दिया, अब इसको उलट कर सीधा कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे में बना लेंगे। तो मैंने दोनों साइड का फ्लावर बिल्कुल कम्प्लीटली बना दिया है। मेरी आस्तीन देखिए बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। अब नीचे के साइड से हम जो धागे को बांध लेते हैं अच्छे तरीके से, ये बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा।
अगर आपने इस समय पहली बार वीजीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस ब्लाउज को परचेज करने के लिए मैं इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक। बाय बाय फ्रेंड्स।